Hi guys, I'm Shivam. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT or CET 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss about the admission process of JBIMS Mumbai. काफी लोगों के डेवलपिंग्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस. काफी लोगों को लगता है कि JBIMS का फॉर्म आएगा वो कब आएगा, बट प्रोसेस थोड़ा अलग होता है JBIMS में, बिकॉज JBIMS MMS प्रोग्राम है, MBA की इक्वली होता है, बट ये डायरेक्टली कैप राउंड मतलब जो DTE बॉडी है उससे एफिलेटेड होता है. ठीक है, तो गाइस हम बात करेंगे इस बारे में, नॉट ओनली फॉर JBIMS बट जितने भी मुंबई के कॉलेजेस हैं जो MBA प्रोग्राम देते हैं, MMS डिग्री देते हैं, उनका प्रोसेस और JBIMS का प्रोसेस सेम होता है. ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बी इट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बी इट ए कंटेंट बेस्ड वीडियो और बी इट ए नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस सीईटी सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, डेडिकेटेड ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करो. यहाँ पे मैं अपडेट्स देता हूँ, क्वेश्चन पोस्ट होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका लिंक दे देंगे. तो गाइस अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की JBIMS मुंबई की. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि JBIMS मुंबई जो है ये आपको MMS प्रोग्राम देता है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, MBA के बिल्कुल इक्वल होता है. ठीक है, नो डाउट JBIMS टॉप 10 में आता है. ठीक है, तो इसका प्रोसेस कैसा होता है, यहाँ पे GDPI नहीं होता क्योंकि ये कॉलेज महाराष्ट्र में, तो ये DTE बॉडी के अंदर आता है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, DTE महाराष्ट्र, ये गवर्निंग बॉडी है. CET सर के साथ मिलके ये लोग MBA CET एग्जाम कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस कैसा होता है गाइस, कि ये जो JBIMS मुंबई है ये GDPI नहीं कराता है, ये कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है इसका. मतलब आपको या तो MBA CET देना है या आप कैट कैट MBA CET CMAT ATMA ZAT, ठीक है, और मैट, ये चार पांच एग्जाम होते हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम आप दो, ठीक है, कोई भी एग्जाम देते हो. ठीक है, पहली बात यहाँ पे देखो दो प्रोसेस हैं, अगर आप महाराष्ट्र के हो, ठीक है, महाराष्ट्र के हो तो उस केस में अगर आप महाराष्ट्र सीट देते हो, ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र कोटा लग जाएगा. ठीक है, उसमें आपकी 85% सीट्स होती है. ठीक है, तो जो महाराष्ट्र के हैं उनके लिए 85% का सीट्स का कोटा होता है, जो ऑल बाहर के हैं उनके लिए ऑल इंडिया होता है. ठीक है, ऑल इंडिया के लिए 15% होता है बाकी. ठीक है, तो बेसिकली बात यहाँ पे क्या है गैस, कि आपको यहाँ पे कोई GDPI वगैरह नहीं देना होता है. ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि आप जैसे कि मान लो आप महाराष्ट्र के हो, आप MBA CET दोगे, आपका कोटा लग जाएगा. इन केस आप महाराष्ट्र के हो और आप CMAT देते हो, CMAT से लेना चाहते हो, तो उस केस में आपका फिर महाराष्ट्र कोटा नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि CMAT ऑल इंडिया लेता है. ठीक है, उस केस में आपका नहीं होगा. ठीक है, तो अब बात क्या आती है, एक बड़ा कंफ्यूजन जो है मैं इसको क्लियर करता हूँ. जैसे कोई बंदा है बाहर का, लाइक कानपुर का, लखनऊ का, वो पूछता है कि वो अगर CMAT से JBIMS लेना चाहता है तो वो JBIMS के लिए कैसे अप्लाई करे. CMAT दे दिया उसने, ठीक है, CMAT आपने दे दिया, अगर आप बाहर के हो और आप ऑल इंडिया से लेना चाहते हो, लाइक CMAT के थ्रू आप JBIMS जाना चाहते हो, उस केस में आप CMAT एग्जाम दो. ठीक है, कट ऑफ ज्यादा होता है, 99.99 से. ठीक है, CMAT एग्जाम दो, अपार्ट फ्रॉम CMAT एग्जाम आप या तो CET का फॉर्म फिल करो, ठीक है, JBIMS के लिए कैप राउंड में बैठने के लिए, CMAT दे दिया आपने, उसके अलावा या तो आप CET का फॉर्म फिल करो, CET फॉर्म फिल नहीं करना है तो CET रिजल्ट के बाद जो DTE का कैप राउंड का फॉर्म आता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि काउंसलिंग बैठना है ना आपको उसकी, जब तक आप काउंसलिंग बैठोगे नहीं तो आप कैसे JBIMS लोगे. तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं CMAT देने के बाद, CET फॉर्म फिल कर दो या तो कैप राउंड का फॉर्म जो CET रिजल्ट के बाद आता है वो फिल कर दो, तो आपका JBIMS या फिर जितने भी और प्रोग्राम्स हैं, सिमसरी, JBIMS, जितने भी कॉलेजेस हैं जो MS डिग्री देते हैं, मतलब कैप राउंड में अगर आपको पार्ट बनना है, कॉलेज लेना है महाराष्ट्र का, और आप बाहर के MBA CET नहीं दे रहे हो, तो आप CMAT या MAT कुछ भी दे रहे हो, तो आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्म भरना पड़ेगा, या तो CET भर दो या तो फिर आप DTE का कैप राउंड भर दो. इन केस आप ऑल इंडिया के और आप MBA CET दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर MBA CET दे ही रहे हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको कुछ नहीं देना. तो कहना क्या चाह रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ, जो लोग MBA CET देते हैं चाहे आप कहीं के भी, आपको कुछ और नहीं भरना है, आपने MBA CET दे दिया आपका कैप राउंड में मैप हो जाएगा. ठीक है, आपको फिर से कोई फीस नहीं देंगी. बट अगर आप MBA CET नहीं देते हो, आप कैट देते हो, आप कैट से लेते हो मान लो, या CMAT से लेते हो, या ZAT से लेते हो, या मैट से लेते हो, या एटमा से लेते हो, MBA CET के अलावा कोई भी एग्जाम आप देते हो, JBIMS, सिमसी, किसी के लिए भी, आपको इन दोनों में से कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आइदर यू कैन फिल CET फॉर्म और यू कैन फिल DTE का कैप राउंड का फॉर्म.
ठीक है। अब मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि देखो दोनों का फीस सेम होता है, इसका भी 1000 रुपीज है, इसका भी 1000 रुपीज है, तो आपने सीमेंट की तैयारी करी ही है तो क्यों ना सीडी दे दो, अच्छा रहेगा आपका, आप शायद सीडी में अच्छा कर पाओ इसलिए। तो आपके ऊपर अगर सीडी नहीं देना तो फिर आप ये कैबराउंड में फॉर्म फिल कर दो। तो अभी ये क्या क्लियर हो गया कि जेवीआर में सिंसी का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता है, कॉलेज में फॉर्म निकाले ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होता है, सब गवर्नमेंट की बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो आई गेस सब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे आपके। बाकी गैस अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सीडी दो, सीमेंट दो। मुझे सीडी में अभी भी डाउट लग रहा है कि 26 तारीख को होगा, कुछ कह नहीं सकते, बट वेबसाइट भी होगी, पुरानी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, वो जो नोटिफिकेशन आई थी 26 की वो ट्विटर पे आई थी, वेबसाइट पे कुछ नहीं आया। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अभी फॉर्म तो शायद नहीं खुलेगा, बट एग्जाम बढ़ने का मुझे हल्का सा लग रहा है, शायद हो सकता है ऐसा कि एग्जाम फिर से एक्सटेंड हो। ठीक है, क्योंकि तो ऐसा हो चुका है पहले भी, फॉर्म काफी पहले बंद हो गए थे बट एग्जाम हुआ था अगस्त में, बट इतना तो नहीं हुआ, जनरली बता रहा हूँ कि शायद कुछ हो जाए। ठीक है, बट अभी आप 26 का ही, 99% 26-25 को ही होगा, बट स्टिल डाउट लग रहा है ऐसा। बाकी सीमेट का जो है, सीमेट का एग्जाम आप मानो 10 अप्रैल के अराउंड लग रहा है मुझे, मैक्सिमम टाइम काफी है सीमेट में। ठीक है, ये प्रॉपर में करो, जीके सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन, सारे सेक्शन करो, सारी वैरायटी पढ़ के जाओ, चाहे सीटी दे रहे हो चाहे सीमेंट दे रहे हो, क्योंकि वैरायटी का गेम है गाइस। बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आपने चाहे जितने मार्क लगाए हो, अगर आपने वो वैरायटी नहीं पढ़ी है, वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा, नहीं कर पाओगे एग्जाम में। टाइम काफी अपने पास है, सीमेंट लिए भी सीटी लिए भी डिसेंट टाइम कर सकते हैं अभी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने एक मिनी क्रैश कोर्स लॉन्च किया सीमेंट का, जो 15 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे सीमेंट के 10 फुल मार्क्स मिलेंगे आपको वर्थ 599 के, एटलीस्ट 10 लाइव जूम सेशन मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, कुछ लाइव भी होंगे, पॉइंट्स एलआर बीआरसी पे, प्रैक्टिस शीट थ्योरी हंड्रेड रहेगा, पॉइंट्स का एलआर भी है, डेडिकेटेड जीके फॉर भी है, जीके कोर्स, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या फोकस करना है पहले। ये बैच हम लोग का 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मार्च बैच स्टार्ट मतलब क्या है, हम लोग के जो इनोवेशन सेक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने काफी डेडिकेटेड कंटेंट दिया हुआ है, और अभी काफी कंटेंट ऐड होना है। हम लोग का तरीका ये होता है कि हम लोग हर चीज को अलग से करते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, जीएसटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, इस तरह कंपनीज एक्ट, अलग अलग पीडीएफ, इस तरह से आपका होता है। प्लस हमने कम से कम 10 से 12 प्रैक्टिस सेशन प्लान किए हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में होंगे। ठीक है, तो वो शेड्यूल आ गया, मतलब बना दिया, तो ये आपका 15 से स्टार्ट होगा, इसलिए आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी 15 वीडियोज हैं, एडिशनल वीडियोज हैं, पॉइंट्स अलग भी है, जहाँ मेन मेन टॉपिक्स रहते हैं एक ही पास। तो प्राइसिंग इसकी ऐसी रखी है कि एनीवन कैन अफोर्ड, कुछ है ही नहीं प्राइसिंग, इट्स 1099 होगी। ठीक है, लास्ट ईयर भी काफी अच्छा हुआ था, काफी लोगों को फायदा हुआ था, गाइस देख सकते हो, आप मुझे इंक्वायर कर सकते हो संपर्क में। बाकी सीमेंट के मार्क्स 599 के 10 फुल लेंथ, ठीक है, एंड अगर आप सीईटी प्लस सीमेंट लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा 139 का, कंप्लीट सीईटी प्लस कंप्लीट सीमेंट मार्क्स। बाकी गैस डेडिकेटेड कोर्स भी हम लोगों का, कोई सीमेंट लेकर ढंग से करना चाहता है कि एक एक वैरायटी करना चाहता है, तो हम लोग की कम से कम 200 से 250 क्लासे होंगी सारे सेक्शन की, डेडिकेटेड कोर्स, जीके सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन, टॉपिक टेस्ट सब कुछ रहेगा। इसकी कॉस्ट अभी हमने 2499 कर दिए, ये बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एंड प्रॉमिसिंग कोर्स है, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ गारंटीड कोर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो, एक दिन में 5-6 वीडियोस दे सकते हो, आपको सिर्फ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है, सारी वैरायटी वहीं कवर हो जाएगी आपकी, क्योंकि कंटेंट काफी रहे अच्छे से। ये तो प्रॉमिसिंग कोर्स है। क्वांट्स एलआर वीएम में तो कोई भी फुल मार्क्स ला सकता है आराम से, मतलब क्वांट्स एलआर में तो ला ही सकता है, वीएम में ऊपर नीचे हो जाता है आराम से उधर। बाकी रिजल्ट्स लास्ट लास्ट ईयर के, अभी स्नैप रिजल्ट्स को लेकर काफी अच्छा रहा है, ये सीमैट का रिजल्ट है। गाइस ये देख सकते हो हम लोग का, गाइस हम लोग का कोर्स काफी डिटेल्ड होते हैं, और हम लोग हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं, इस साल देख डेडिकेटेड मैनर में काफी चेंजेस आने हैं हम लोग को, और डेडिकेटेड चीजें करनी है, बिकॉज लास्ट ईयर स्नैपटॉप आ गया था। ठीक है, चाहे वो कैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे कोई भी एग्जाम, ठीक है, तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम लोग और कुछ करें। बाकी गाइस हम लोग का कैट का कोर्स, कैट और एमबीए का कोर्स लॉन्च हो रहा है, वो कैट का कोर्स है, कंप्लीट एमबीए कोर्स है, और एक हम लोग ऐसा कोर्स निकालना है जो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बिकॉज हम लोग को बिलीव अपने ऊपर, उसका नाम है एश्योरेंस कोर्स। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उसका डिटेल्स आएगा या तो व्हाट्सएप कर देना। कंप्लीट एमबीए कोर्स आपको दिया जाएगा, और आपको टॉप 30 कॉलेजेस का एश्योरेंस दिया जाएगा। अगर आपको टॉप 30 कॉलेज से कॉल नहीं आती है, फ्लैट 40% रिफंड फीस में। ये हम बहुत ही लिमिटेड लोग लिए कर रहे हैं, बिकॉज काफी लोग डाउट में होते हैं, बिकॉज हम लोग को अपने ऊपर भरोसा है, हर साल काफी बच्चे जाते हैं, उसके सीट्स बहुत कम होगी और प्राइसिंग उसकी बहुत ही कम होगी, जितनी प्राइस हम लोग ले रहे हैं उतना तो नॉर्मल कोर्स भी नहीं आता है एक्चुअल में। ठीक है, उसकी प्राइसिंग अराउंड 30,000 होगी,
कंप्लीट एमबीए कोर्स की, सब कुछ कवर, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीए, हर चीज कवर रहेगी, सारे एग्जाम, सारे 15 एग्जाम्स। और आपका अगर टॉप 30 स्कोर नहीं आया, जो लिस्ट में देंगे, 12,000 वापस। तो ये एक एश्योरेंस कोर्स है जिससे बिलीव रहेगा, काफी लोग उस, काफी लोग बिलीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, 24th के अराउंड बैच स्टार्ट होगा, कल डिटेल्स आ जाएंगे इसकी, ठीक है। तो अगर आपको इंक्वायरी करनी हो, ठीक है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होंगी इसमें, बिकॉज हम लोगों से बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा उन लोगों पर, तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो वैसे आप देख सकते हो हम लोग के सीईटी के मॉक्स के रिजल्ट। सर वैसे दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द रेस्ट बाय बाय। नंबर यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर कोई इंक्वायरी हो। बाकी mockzone.in/cmat पे जाओगे एंड सीईटी भी जाओगे, आपको मिल जाएगा अपडेट्स। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।